और यूक्रेन के बाद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर श्रीलंका है। बीते 48 घंटे से हमारी टीम श्रीलंका में मौजूद है, लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। हमने श्रीलंका की सड़कों पर लगा कर्फ्यू देखा, उस कर्फ्यू को तोड़ती हुई उग्र भीड़ को भी देखा, पुलिस का एक्शन भी देखा और श्रीलंका की उन महिलाओं का दर्द भी देखा जिनको 3,000 रुपए का गैस सिलेंडर ब्लैक में 8,000 रुपए तक लेना पड़ रहा है। श्रीलंका के किचन से लेकर कैबिनेट तक और कैबिनेट से लेकर कर्फ्यू तक सब कुछ देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। अब आप देखिए यहां पर हम देख रहे हैं आलू, ये हम सुपरमार्केट में मौजूद हैं। 1 किलो आलू का प्राइस है 160 रुपए। पूरी लंबी लाइन है, हमने लोगों से बात की है, 1.5 घंटे से वो लोग इंतजार कर रहे थे डीजल के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी में आते हैं तो आपकी टैंकी फुल हो जाएगी, आप पूरी टैंकी भरवा देंगे। एक लिमिट है, 1,000 रुपए का डीजल ही आप भरवा सकते हैं, वो 1,000 रुपए का डीजल कितना चलेगा। लोग मायूस हैं। हम भिखारियों जैसे यहाँ रोज रोज क्यू करके अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं, ये हमें हमारी डिग्निटी पूरी खत्म कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। हमें अपना देश वापस दीजिए। श्रीलंका कैसे दिवालिया हो गया, श्रीलंका कैसे कंगाल हो गया, श्रीलंका की हालत क्या है, ये जानने के लिए टीवी 18 की रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने श्रीलंका के सुपरमार्केट का दौरा किया। मिल्क पाउडर की काफी कमी है, स्टॉक आया है मिल्क पाउडर का, लेकिन जरा दाम पूछ लेते हैं कितने का है ये? 790। और अगर हम देखेंगे 400 ग्राम, आप समझिए कि 790 रुपए का ये मिल्क पाउडर 400 ग्राम है, यानी कि अगर हम इसको लेते हैं 1 किलो अगर हम ये मिल्क पाउडर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपए का ये श्रीलंका में मिलेगा। हमारी टीम श्रीलंका की उन सड़कों पर पहुंची जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र नारे लगा रही थी। इस वक्त हम लोग कोलंबो में मौजूद हैं और आज कर्फ्यू है, लेकिन आप देखिए कर्फ्यू का असर नहीं है। यहां पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके हाथों में पोस्टर्स हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर है, पुलिस यहां पर आ रही है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है जॉइन अस टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट, ये लोगों का कहना है क्योंकि लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार के खिलाफ है। और यहाँ पर लोग आगे बढ़ते हुए, कर्फ्यू है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसका असर नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, सेना की मौजूदगी है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग यहाँ पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और दूसरी तरफ कर्फ्यू ने उनकी परेशानी को ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों का दर्द जानने के लिए हमने सीधे श्रीलंका के लोगों से बात की। श्रीलंका में पहले आपातकाल लगा, फिर कर्फ्यू, ताकि कोई भी श्रीलंका के अंदर राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना कर सके। कोलंबो के पास कई पॉश इलाकों में सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहा। इस वक्त हम कोलंबो में है जहां पर कर्फ्यू का असर भी देखने को मिल रहा है। ये कोलंबो का पूर्वी इलाका है और ये आगे कुछ इलाकों को जोड़ता है जहां पर हम मौजूद हैं। पीछे यूनिवर्सिटी भी है, ऐसे में छात्र इकट्ठा ना हो इसके लिए पूरी तैयारी है। वहां पर आप देखेंगे पेट्रोल पंप है, उसके पास ही पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है, आर्मी है, पुलिस की मौजूदगी है, ताकि यहाँ पर कर्फ्यू का उल्लंघन ना हो। लेकिन श्रीलंका के अंदर महंगाई और अर्थव्यवस्था की आग इतनी ज्यादा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर भी राजपक्षे सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग लगातार जारी है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त श्रीलंका पर टिकी हुई है, ये आप देखिए लोग नारेबाजी करते हुए, कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर योर डिमांड्स? आपको फ्रीडम चाहिए, आजाद? हाँ।
इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं, जो पूरे श्रीलंका के गम और गुस्से का प्रतीक बन गई हैं। कुछ नौजवान सड़कों पर गिटार लेकर म्यूजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीलंका की सड़कों पर विद्रोह के ऐसे गीत गाए जा रहे हैं जिन्होंने राजपक्षे सरकार की नींव हिला कर रख दी है। और ये आप देखिए, ये गिटार है। तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है ये आप देखिए। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं नारेबाजी करते हुए, इसमें महिलाएं भी हैं पीछे, और लगातार गुस्सा है। सरकार ने कोशिश की है कि लोग घरों में कैद रहें, लोग अपनी आवाज को बुलंद ना करें, लोग सड़कों पर ना हों। श्रीलंका की सड़कों पर जनता पोस्टर लेकर निकल पड़ी है। लोग सारे काम छोड़कर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं। देखिए ये पोस्टर जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का मजाक उड़ाया गया है। ये एक और पोस्टर देखिए, एंड राजपक्षे टेरर, यानी राजपक्षे की दहशत खत्म करो। अब ये तस्वीर देखिए, लोग कैसे प्रदर्शनकारियों को देखकर तालियां बजाकर उनका जोश बढ़ा रहे हैं। एक महिला ने पोस्टर में राजपक्षे सरकार की पूरी कैबिनेट के पोस्टर पर ही क्रॉस लगा दिया। पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू है, उसके बावजूद लोग बाहर निकले हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों पे आप बैनर्स देख सकते हैं जिसमें लिखा है गिव अस बैक अवर डिग्निटी, और लिखा है इस तरीके से राजपक्षे एग्जिट। तो आज तो कर्फ्यू है, फिर भी आप लोग बाहर निकले हैं। हम लोग को कुछ करना है क्योंकि सब इतना सफर कर रहे हैं शहर में कि किसी को तो नींद से उठना है। ये आप देखिए, ये जो बैनर है, द पावर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। तो यहाँ पर लोग अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं कि वो सड़कों पर हैं और वो चाहते हैं कि जो चीजें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में आजादी के बाद से इस वक्त सबसे बुरा हाल है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। लोगों का कहना यह है कि उनको खाना चाहिए, उनको समय से पीने के लिए पानी चाहिए, वो थक चुके हैं इस तरह के हालात को देखते हुए। जब हमारी टीम ने यहाँ कोलंबो के एक सुपरमार्केट का दौरा किया तो हमें पता चला कि श्रीलंका के लोग इस वक्त किस तरह महंगाई के रावण के अत्याचार को झेलने के लिए मजबूर हैं। ये आप देखेंगे, ये जो है भारत से चावल आया है। श्रीलंका का चावल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो स्टॉक खत्म हो चुका है। जो भारत ने मदद भेजी है, खेप पहुंची है, उसमें से ये चावल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आटा है। हम शॉपकीपर से पूछते हैं क्या दाम है इसका। What's the price of this wheat? 1 kilo, 190 rupees. एक किलो आटे का दाम 190 रुपए है। ये सबसे जरूरी है, बिना आटे के घर का काम नहीं चल सकता है। लोग खाना खाते हैं, रोटियां खाते हैं, पराठे खाते हैं, लेकिन इस वक्त ये 190 रुपए का है। अब आप देखिए, 240 शुगर, हाउ मच प्राइस? 240 रुपीस 1 किलो। अब आप देखिए महंगाई का आलम क्या है। ये जो चीनी जो हर चीज में बनती है, आपके स्वाद को बढ़ाती है, चाहे फिर आप चाय पिए, कॉफी पिए, दूध पिए, ये इस वक्त श्रीलंका में 240 रुपए प्रति किलो बिक रही है। स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ये सुपरमार्केट का हाल है कि स्टॉक आ भी जाता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो खरीद ही नहीं सकते हैं, वो वैसे ही बेबस हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पूरे श्रीलंका में पावर कट लगातार जारी है। 13-13 घंटे की बिजली कटौती से पूरे श्रीलंका में फ्रिज इस वक्त भी बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये फ्रिज में चीज रखा हुआ है, आप देखिए, और भी जूसेस हैं, ये खराब हो सकते हैं क्योंकि पावर कट है। अब आप समझिए कि अगर एक दिन में 13-13 घंटे का पावर कट हो तो क्या हाल होगा। ये कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है लेकिन ये भी गर्म है, आप ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है। टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर 30 डिग्री होगा लेकिन ऐसे में आपको ठंडा पानी नसीब नहीं है क्योंकि पावर कट काफी ज्यादा है। अमीरों के लिए भी श्रीलंका अब नर्क बन गया है। हमारी टीम ने श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसे संपन्न परिवारों से भी बातचीत की जिनको 8,000 रुपए में गैस सिलेंडर ब्लैक में ऑफर किया जा रहा है। लेकिन सिलेंडर लाएं कैसे, क्योंकि कारें तो दो हैं लेकिन पेट्रोल किसी भी कार में नहीं है। इस वक्त मेरे साथ दीनू मौजूद हैं जिनके घर में हैं हम, और किचन में हैं, बहुत सारी दिक्कतें इनको आ रही हैं। आप बताइए कि इस वक्त क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं। देखो, मैं श्रीलंकन बॉर्न हूँ तो
55 ईयर्स से मैं इधर हूँ, मैं स्कूल में इधर गई, दो गाड़ियां पड़ी है पर कार में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। अगर डीजल मंगवा तो 3-3 घंटे जाके लाइन में खड़े हो जाओ। ब्लैक में भी मिल रहा है गैस, ब्लैक में मिल रहा है। एक पहले टोकन जाके ले लो, फिर 3,000 का गैस है। किसी ने कल मेरे से बोला कि 8,000 में मिल सकता है, तो ऐसे तो हम लोग नहीं दे सकते ना। बिल्कुल, तो जो अगर आपके पास अगर पैसे हैं भी तो भी आप नहीं खरीद पा रहे हैं। खरीद कर सकते, गाड़ी है तो कहाँ, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। अगर हम लोग खरीद भी ले सकते, हमारे जो हेल्पर्स है वो लोग, उन लोगों का तो, मेरी मेड कल बोली कि मेरे घर में दूध नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग और बीमार लोगों का तो भगवान ही मालिक है। ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है ना, कितनी तकलीफ देती है गरीब लोगों को, सामान कुछ नहीं मिलता है। अमीर लोगों से भी ज्यादा बुरा हाल गरीब लोगों का है, जो केरोसिन में खाना बनाने को मजबूर हैं और मिट्टी तेल के लिए लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है। श्रीलंका में हालात किस कदर खराब है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, लोगों की लाइन देखिए, इनके पास कंटेनर्स है। हालात ये हो चुके हैं कि जैसे ही इनको सूचना मिलती है कि डीजल आ गया है, ये लोग कंटेनर्स में डीजल भर रहे हैं। आप देखिए, सबके हाथों में कंटेनर्स हैं। आप पीछे जाएंगे राकेश, वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये आप देखिए, लोगों के हाथों में कंटेनर्स हैं। हालात काफी ज्यादा खराब है। जैसे ही इनको जानकारी मिलती है, ये लोग पेट्रोल पंप भागे चले आते हैं और ये बड़े बड़े डब्बे हैं जिसमें ये डीजल भरवा रहे हैं। तो एक तरह से ये स्टॉक कर रहे हैं डीजल को। मैं आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ, जैसे ही आगे आएंगे। ये देखिए कंटेनर्स आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ भी लाइन है केरोसिन ऑयल की, क्योंकि घरों में लोगों के गैस नहीं है और ऐसे में लोग अब केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देखिए, इनके हाथों में भी कंटेनर्स हैं। ये जैसे ही इनको जानकारी मिली है, अब ये लोग खाना केरोसिन ऑयल से बनाएंगे। ये आप देखिए, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपने डब्बे लेकर के आए हैं, कंटेनर्स लेकर के आए हैं, ताकि इसमें ये मिट्टी का तेल भरवा सके और इसी से ये खाना बनवाएंगे, क्योंकि गैस घर में नहीं है। गैस की सप्लाई कब तक आएगी ये नहीं मालूम है। पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए भीड़ लगी हुई है और किसी को भी यहाँ गाड़ी की टंकी फुल करने की इजाजत नहीं है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, गाड़ियों का काफिला है और राकेश जहां तक कैमरा जाता है वो दिखाएंगे आपको। देखिए, ये गाड़ियों की लाइन है, स्थिति भयावह है। अभी हम आगे जाते जाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जब लोग काफी दूर से, कई किलोमीटर का ये जैम है और गाड़ियां मौजूद है। हाँ, फ्रॉम वेयर यू हैव कम? दिस वे आई एम कैंडी, नाउ आई एम बिजनेस हियर। You what you have in this? What you have? 1,000 rupees. 1,000 rupees for this much diesel? Yes sir. तो देखिए आप, हालात ये हैं कि लोग इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर के आ रहे हैं, लेकिन डीजल इनको सिर्फ 1,000 रुपए का मिल रहा है। इससे ज्यादा ये लोग डीजल नहीं खरीद सकते हैं। From where you have come sir? I live close by. Okay, so you are here for diesel? Yeah, I've been here for about 1.5 hours now. Now I have 2 kids and I have to provide for them. But still it's is utter nonsense in this country actually. I voted for this president and it's not what we expected at all. श्रीलंका के कैंडी जिले में कर्फ्यू के बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी है। ये जिला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। श्रीलंका में महिलाएं भी विरोध के लिए निकल पड़ी हैं, जिनको रास्तों पर रोका जा रहा है। श्रीलंका में विपक्षी दलों के नेता भी सड़कों पर हैं, लेकिन पुलिस विरोध प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च को बंद करवा रही है। श्रीलंका में विपक्ष के नेताओं ने भारत की मदद की तारीफ की है। We appreciate the tremendous help and support that India has provided us, and we support a very strong relationship with India, support which is based on protecting each other's sovereignty, territorial integrity, unity and political independence.
श्रीलंका की सरकार कैसे चल रही है, इसकी एक और मिसाल आज तब देखने को मिली जब श्रीलंका ने पहले पूरे सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, लेकिन बाद में खेल मंत्री नमल राजपक्षे ने ट्वीट करके विरोध किया तो ये बैन हटा दिया गया। श्रीलंका सरकार के भीतर मौजूद अराजकता भी पूरी दुनिया देख रही है। और रूस ने कोस्टल सिटी ओडेसा पर लगातार एयर स्ट्राइक किया। हमारे संवाददाता अरुण सिंह उस जगह पहुंचे जहां रूस ने बमबारी कर एक तेल डिपो को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यूक्रेन के कोस्टल सिटी ओडेसा पर रविवार सुबह ही रूस ने क्रूज मिसाइल से हमले किए, लगातार एयर स्ट्राइक किया, लेकिन कीव और लवीव जैसे शहर हैं वहां से रूस की सेनाएं पीछे की तरफ हट रही हैं। जब वो वापस जा रहे हैं तो वहां तबाही के निशान दिख रहे हैं, कई लोगों की लाश मिली है। इस वक्त मैं एक तेल डिपो पर हूँ यूक्रेन के अंदर, जहाँ कुछ दिन पहले रूस ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया था और जला हुआ तेल डिपो आपको दिखाई दे रहा होगा। अंदर पूरी तरह से तबाही मची हुई थी, उस वक्त 5 लोग यहां पर घायल हुए थे। और रूस ने उस दिन हमला यहां पर किया जिस दिन जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति वो पोलैंड के दौरे पर थे। इस तरह से रूस ने 1 महीने से ज्यादा समय हो गया उसको यूक्रेन पर, वो जो सोच रहा था कि जीत जाएंगे, वो कब्जा कर लेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में उनको कीव से लवीव से पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन ओडेसा पर रविवार की सुबह उसने हमला किया। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं, ये जो पार्ट है पीछे बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। आप देखिए पेड़ जो है यहाँ पर, आप पेड़ देखिए, कमल देव जी जरा पेड़ दिखाइए, ये जो पेड़ है आप देखिए ये झुलस गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि बहुत भयानक धमाका यहाँ पर हुआ था। ये पेड़ भी देखिए, ये भी झुलस गया है, बहुत जबरदस्त धमाका हुआ था। रूस कोशिश पूरी तरह से कर रहा है कि यूक्रेन को दबा दे, यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे, लेकिन जेलेंस्की लगातार अपने सैनिक सलाहकारों के साथ एक बाहर कवच के अंदर, एक बंकर के अंदर रणनीति बना रहे हैं और कतई सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो ये दिखाया मैंने हाल आपको कि यूक्रेन में किस तरह से तबाही मचाई थी रूस की सेना ने। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, यूक्रेन। न्यूज 18 यूक्रेन के लीव शहर में उस जगह पर भी पहुंचा जहां रूस ने भीषण बमबारी कर एक फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए टैंक बनाए जा रहे थे। रूस की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों पर हमला करने के बाद, उनको तबाह करने के बाद भले ही पीछे हट गई हैं, लेकिन उन हमलों के निशान, बर्बादियों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त में एक टैंक फैक्ट्री जहां पर हमला हुआ था उसके बाहर खड़ा हूं। आप देखिए तस्वीरों में ये बड़ी सी टैंक फैक्ट्री, यहां पर टैंक रिपेयर भी किए जाते हैं जो सेना के काम आते हैं। जेलेंस्की की सेना लगातार रूस से मोर्चा ले रही है और इस बीच इस टैंक फैक्ट्री के बीचों बीच स्ट्राइक करके रूस ने कोशिश ये की थी कि जो टैंकों के जरिए यूक्रेन सामना कर रहा है रूस की मिलिट्री का, रूस के टैंकों का, उसको रोक दिया जाए, क्योंकि रूस की सेना कोशिश ये कर रही थी कि यूक्रेन के जो मिलिट्री टैंक हैं वो अगर युद्ध में खराब हो गए हैं उनको यहाँ पर ला करके रिपेयर किया जाता था, उस काम को रोक दिया जाए ताकि यहाँ पर टैंक ठीक न हो पाए और रूस के साथ जो लड़ाई चल रही वहाँ पर यूक्रेन कम टैंकों के साथ लड़े। यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ने की रूस की जो कोशिश थी उसको यूक्रेन ने कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन उसको नाकाम कर दिया है और जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर ली है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, यूक्रेन।